बच्चों आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेंशन ऑफ व्हील। यूनिट फर्स्ट का ही सेशन फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट है इन्वेंशन ऑफ व्हील। पहिए को सभी समय के सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक आविष्कारों में से एक माना जाता है। पहिया सभ्यता के शुरू से ही आदमी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। मट्ठा के है आविष्कार के बाद से मो आदिम प्रौद्योगिकियाँ इसके सिद्धांतों पर आधारित है। पहिए का आविष्कार शायद नवपाषाण युग में हुआ था। यह संभावना है कि अन्य तकनीकी प्रगति के साथ इसने शुरुआती कांस्य युग को जन्म दिया। कुम्हार का पहिया 1500 ईस्वी पूर्व आविष्कार चालकोलिथ उबैद अवधि 1500 से लेकर 3300 ईसा पूर्व चाकलेथिक जल्द से जल्द पहिए वाले वाहन घोड़े का वर्चस्व यानी 3300 से लेकर 2200 ईसा पूर्व प्रारंभिक कांस्य युग और 20,000 से लेकर 1550 ईसा पूर्व मध्य कांस्य युग प्रवक्ता का आविष्कार। पहिए और रथ औद्योगिक क्रांति के बाद से पहिए मानव जाति द्वारा निर्मित लगभग हर मशीन का एक मूल तत्व रहा है। कितना इम्पोर्टेंट है पहिए, बहुत ही मूल तत्व बता रहा है मशीन के लिए। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं। जबकि पहिए के आविष्कार का सही समय और स्थान विवादित रहा है, इसमें भी कई विवादित रहा है कि पहिए को लेकर तो हर एक जगह के लिए इसमें भी विवादित चला है पहिए को लेकर। आप इस वीडियो को दिखाते हैं, इस वीडियो को देखिए कि इसमें पहिए का जो आविष्कार बताया जा रहा है ये बहुत ही आदि मानव के पुराने ज़माने का है। इसके दिमाग में कैसे आया लकड़ी का पहिए के आविष्कार का, आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। कि आदि मानव जंगलों में शिकार करने के लिए जब निकलते थे तो कई किलोमीटर दूर, कई मील तक दूर उसको जाना पड़ता था। और उस टाइम वृक्ष आंधियां तूफान से जब गिर जाते थे तो ऐसे ही पड़ा रहता था जंगलों में, वहीं से लकड़ी को जलावन के लिए वो काट काट करके ले जाया करते थे और अपने शिकार को पकाया करते थे। इसी वजह से एक दिन अचानक वो जंगल जाते हैं और देखते हैं कि मोटा तना जो है बेलनाकार वहाँ पे बहुत जमाने से रखा हुआ था। जब वो बैठते हैं उस जगह से थक करके, शिकार करने के बाद वो थक जाते हैं और उसी जगह बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उस पर किसी तरह से वो उस पर पैर लगता है और वो लकड़ी क्या होता है, रुड़कना शुरू कर देता है, ज़मीन ढाल होता है। इससे लकड़ियाँ का अच्छा दूर तक रुड़कने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये आखिर क्यों चल रहा है, क्यों आगे ये चलने लगा, इसके बारे में वो बहुत कुछ सोचने लगते हैं। फिर उसके दिमाग में आता है कि इसको क्यों नहीं काट करके इस तरह से, इस तरह का लकड़ियों को गट्ठर को ले जाने के लिए बनाया जाए।
इसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती है। ये पॉइंट नंबर 4 है। इसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती है। इतिहास बताता है कि मेसोपोटामिया आधुनिक दिन यानी इराक में लगभग पहिया 5500 साल पुराना वहाँ पर आविष्कार हुआ है। परिवहन के लिए पहिए का पहला उपयोग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के रथों में हुआ था। ये इतिहास बता रहा है बच्चों। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी पहिए रथों के कई संदर्भ हैं जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि पहिए का उपयोग औद्योगिक या निर्माण अनुप्रयोगों में वाहनों पर उपयोग करने से पहले किया जा सकता है। मिस्र के लोगों ने प्रवक्ता के साथ पहिए का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास रथों में और पहियों का उपयोग यूरोप बीएस में 1400 ईसा पूर्व शुरुआत हुआ था। बच्चों इस पॉइंट पे भी आप समझ गए होंगे ये कितना पुराना है, पहिए कहाँ से आया है। मेसोपोटामिया जो इराक के उस टाइम राजा हुआ करते थे और उसके रथों में पहिया लगवाया गया था उसमें। ये बहुत ही पौराणिक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे व्हील एंड इट्स स्ट्रक्चर, व्हील का स्ट्रक्चर और बनावट यानी कि उसे फिर डेवलप किया गया है कि स्पोक व्हील कैसे आया, रिम व्हील कैसे आया, इस पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे।